हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एस व्यास यूबी योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स एंड देयर एक्टिवेटर, इनकी शॉर्ट ट्रिक। बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो कहते हैं कि सर जैसे ही एग्जाम आता है उसके प्रेशर में हम एंजाइम और उनके एक्टिवेटर्स के जो नेम्स हैं वो सब भूल जाते हैं, वो सब इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रिक ऑफ एंजाइम एंड देयर एक्टिवेटर। एंजाइम्स एंड देयर एक्टिवेटर्स। एनसीईआरटी में 10 एंजाइम एंड उनके एक्टिवेटर मेंशन है, और वो एक ही टॉपिक में नहीं है। कुछ मान लिया किसमें है, मिनरल न्यूट्रिशन में है, तो कुछ उसने बायोमोलिक्यूल्स का जहाँ एंजाइम टॉपिक है और जो कोफैक्टर दिए हुए हैं वहाँ दे रखा है, कुछ को उसने डाइजेशन में मेंशन कर रखा है। तो आप केवल 10 एंजाइम और उनके एक्टिवेटर ही याद रखने हैं, नीट में केवल और केवल वही पूछे जाने हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट वन कैटालेज, इट इज एक्टिवेटेड बाय आयरन Fe+2। सेकेंड सलिवरी एमाइलेज, इट इज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड एंस। थर्ड वन कार्बोक्सी पेप्टिडेज, फोर्थ कार्बोक्साइलेज and fifth carbonic anhydrase. These all three are activated by Zn+2 zinc. Next, sixth one pyruvate dehydrogenase. Seventh rubisco earth pepco. These all three are actually activated by Mg+2. Ninth nitrogenase, and 10th is the nitrate reductase. ये लीजिए, ये दोनों ही एक्टिवेट होते हैं मॉलिब्डेनम से। यानी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 10 एंजाइम हैं और उनके 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिवेटर है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बोलता हूं ताकि ये प्रेशर में इंटरमिक्स ना हो। तो देखिएगा, फर्स्ट ट्रिक देखते हैं, समी विद क्लार्क वॉचिंग कैट इन फेरारी सिंगिंग जिंगा लाला इन कार, ठीक। शमी विद क्लार्क वॉचिंग कैट इन फरारी सिंगिंग जिंगा लाला इन कार, ठीक। अब देखो शमी ये कौन है, इट इज द ग्रेट क्रिकेटर मोहम्मद शमी। क्लार्क इट इज ऑल्सो माइकल क्लार्क,
ये दोनों वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, इसलिए मैंने ये टर्म यहां यूज किया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे समी का एस ले लीजिए, इस एस का मीनिंग है सलिवरी, और ए एम वाई इसका मीनिंग है एमाइलेज, सलिवरी एमाइलेज विद क्लार्क, क्लार्क का सीएल ले लीजिए सीएल माइनस, इंस सलिवरी एमाइलेज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड एंड्स, वाचिंग कैट कैट कैटालेज, इन फेरारी एफ ई प्लस टू। फेरारी इसके पहले वाले भी अपन ने शॉर्ट ट्रिक में यूज किया है, हमें हमेशा जब भी एफ ई एन को डिनोट करूंगा तो फेरारी से ही करूंगा। सिंगिंग जिंगल आला, अब जिंगल आला जब आप स्पेल करेंगे तो जेडन से ही स्टार्ट करिएगा, वही आपकी मैसेंजर फेसबुक एंड व्हाट्सएप की लैंग्वेज, जेडन प्लस टू। इन कार, जब भी मैं कार की बात करता हूं तो देखिएगा यहां से देखो कार्बोक्साइलेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन तीनों में कार है। तो इस कार से फर्स्ट आप ले लीजिएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, सेकेंड कार्बोक्साइलेज, एंड थर्ड कार्बोनिक एन हाइड्रेज, ये लीजिए हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट फाइव को मैंने एक साथ आपको क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए और एक ही सेंटेंस में आ गए। समी विद क्लार्क वाचिंग कैट इन फरारी सिंगिंग जिंगल आला इन कार, अब पूरा सेंटेंस भी याद नहीं रहता तो कम से कम आपको इतना तो याद रहेगा, समी विद क्लार्क लीजिए सेलेवरी एमाइलेज किसके साथ एक्टिवेट होता है सीएल के साथ, कैट इन फरारी इतना भी याद रहता है तो भी ठीक है, कैटालेज में कौन काम करता है एफ ई प्लस टू, जिंगल आला इन कार तो बिल्कुल जिंक इन कार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोक्साइलेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फाइन। चलिए अगला देखते हैं इनका सेकेंड ट्रिक, मैगी विद पेप्सी कोला इज रेडी फॉर रूबी एंड पुरुडी, पुरुडी की जगह आप प्यारी डी भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा सूट कर रहा है। अब देखना इसका मीनिंग देखिएगा, मैगी मैगी एम जी, इसके पहले भी ट्रिक में मैगी एम जी को डिनोट करता था, विद पेप्सी कोला, पेप्सी कोला मीन्स पी ई पी सी ओ, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट कार्बोक्साइलेज, यानी जो मैग्नीशियम है वो इसको क्या करेगा एक्टिवेट करेगा, रेडी फॉर रूबी, यहां रूबी से आप मतलब लीजिएगा रू विश को, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज, पुरु पुरु से यहां मीनिंग है पाइरुवेट एंड डी से मीनिंग है डी हाइड्रोजिनेज। जब आपने क्या किया था लिंक रिएक्शन देखी थी, पाइरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में इस पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ने ही कन्वर्ट किया था और वहां पे आपने एक एक्टिवेटर ऐड किया था दैट इज द एम जी प्लस टू, ठीक। या किसी को ये अच्छा नहीं लगता तो प्यारी डी भी कह सकते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, बट अगर
होमोफोनिक सिचुएशन में आप देखेंगे तो देखो बहुत अच्छा लगता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज पुरुदी, ठीक, प्यादीदी भी आपको अच्छा लगे तो ये भी आप देख लीजिएगा। थर्ड ट्रिक अगर अपन देखते हैं तो देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये लीजिए नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, मैं सीधे सीधे मोलिब्डेनम इनको एक्टिवेट करता है तो मैंने बोल दिया मो नीटर, सही है। अब मॉनिटर को टी ओ आर मत लिखना, आप ऐसे लिखो एमओ से हो गया मोलिब्डेनम, एमओ मोलिब्डेनम। ये जो एनआईटी है इससे आप एक तो नाइट्रोजिनेज एंड सेकेंड नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया। ये लीजिए 10 के 10 आपके हो गए विद इन टू ट्रिक्स। अब मान लीजिए यहां से भूल जाते हैं तो इनमें से पूरा सेंटेंस भी याद नहीं होगा ना, तो कुछ उसके क्या है छोटे छोटे पार्ट याद रहेंगे तो भी आपका काम इजी वे में चल जाएगा। अब यहीं से पूछा जा सकता है क्योंकि कैटालेज तो उसने दिया है एफई के फंक्शन में, मिनरल न्यूट्रिशन में, सेलेबरी एमाइलेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये एंजाइम में दिए हुए हैं और डाइजेस्ट में भी उसने मेंशन कर रखा है, कार्बोक्साइलेज उसने फंक्शन दिया है जब किसके मिनरल न्यूट्रिशन में, जिंक के तब दे रखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर आपको मिलेगा तो ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, फिर वही बायोमोलिक्यूल्स में, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में उसने दिया हुआ है, रूबिस्को एंड पेपको ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी दिया हुआ है और फोटोसिंथेसिस में है, नाइट्रोजनेज एंड रिडक्टेज ये दोनों जो उसने मेंशन किए हुए हैं वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी देखो अगर देखेंगे तो ये वहां भी आपको मिल जाएंगे, और दूसरा जब उसने फंक्शंस ऑफ इसेंशियल मिनरल और एलिमेंट ये फंक्शन दिए तो वहां भी उसने मेंशन कर रखे हैं। ओके थैंक यू, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू ऑल।